हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए अपना फेशियल वैक्स, जो कि हम घर पे बनाएंगे। ये है फेशियल वैक्स और ये हेल्प करेगा आपको फेस हेयर रिमूवल के लिए, आपकी टैन को रिमूव करने के लिए और ऑब्वियसली ग्लो लाने के लिए। बहुत अच्छा ग्लो आता है इससे। तो चलो मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ, फिर इसका रिजल्ट हम देखेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसको अप्लाई करने से पहले मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है इस वक्त और मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। और इसकी थिकनेस आप देखिए, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल पतला भी नहीं है और गाढ़ा भी नहीं है। इसको आप लगाने के लिए कोई भी कॉटन क्लॉथ ले सकते हैं और डेनिम का भी लेते हैं। अगर डेनिम का कोई पुराना कपड़ा पड़ा हुआ है तो वो बहुत अच्छा रहेगा। डेनिम के कपड़े से बहुत अच्छी ग्रिप बनती है और उसको अप्लाई जब आप करेंगे ना, जब उसको खींचेंगे तो उसको नीचे से ऊपर की तरफ खींचना, ऊपर से नीचे की तरफ मत खींचना। और आप एक चीज़ देख सकते हैं कि मैं थोड़ा हार्शली कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन पे चल जाता है। मेरी स्किन नॉर्मल है थोड़ी, तो मैं थोड़ा हार्श भी कर रही हूँ तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप थोड़ा सा केयरफुली आप कीजिएगा। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो अपने हिसाब से कीजिएगा, जैसे कि आपकी स्किन पर आप करते हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ये बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें शुगर है, लेमन है, लेमन के विटामिन सी के फ़ायदे हैं इसमें। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने ये अभी तक ट्राई नहीं किया है ना, वो इसे डायरेक्ट ट्राई ना करें फेस पे। आप पहले अपने हाथ पे लगा के देख लीजिए। जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है ना, अगर वो डायरेक्टली इसको अप्लाई करेंगे तो उनको रेडनेस हो सकती है, वो जो हल्के हल्के लंप्स से दिखने लग जाते हैं, ऐसा हो सकता है उनके साथ। तो इसीलिए पहले अपने हाथ पे अप्लाई कीजिए, और आपको वो सूट कर रहा है तो अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। आपको इसका असर इंस्टेंटली देखने को मिलेगा, एकदम से आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी। आपको किसी पार्टी फंक्शन में जाना है तो लास्ट मोमेंट पे ये बेस्ट रेमेडी होती है। आपका टैन रिमूवल, बहुत अच्छा टैन रिमूवल है, बहुत अच्छे से क्लियर स्किन को क्लियर कर देता है ये। तो अगर आप इंस्टेंटली भी कहीं जाके इसको लगाना चाहते हैं कहीं जाने से पहले, तो आप इसको बिल्कुल लगा सकते हैं। इसकी क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर आपको एक दिन के लिए चाहिए तो आप 2 से 3 चम्मच शुगर डालें और हाफ लेमन डालें और वो आपके एक दिन के लिए हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा 2-3 दिन के लिए बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लें, अपने अकॉर्डिंग आप इसको ऐड कर सकते हैं जितने दिन आप चाहेंगे। आप जैसे जैसे बनाते रहेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही सिंपल रेमेडी है तो इसलिए मैं इसको इंस्टेंटली ही बना के यूज़ करती हूँ। अब देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए शुगर, आप वाइट या ब्राउन कैसे भी ले सकते हैं। उसके अलावा एक खाली कंटेनर, 1/4 कप वाटर चाहिए और एक लेमन चाहिए। मैंने इसमें 3 चम्मच शुगर डाली है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बराबर मात्रा में ही डालना पड़ेगा, इतना कुछ नहीं है इसके अंदर। बहुत ही ईजी रेमेडी है, कोई भी बना सकता है इसको। बेसिकली इसमें जो काम करता है वो सबसे ज़्यादा शुगर काम करता है, देन इसमें लेमन का विटामिन सी काम करता है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कम या ज़्यादा होने से कुछ नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल से। 5 से 7 मिनट बाद आप खुद देखेंगे कि इसकी क्वांटिटी आपने कितनी रखी थी और वो बिल्कुल थोड़ी सी रह जाएगी। तो अभी हमारा ये जो सीरम है हमने बनाया, ये कम्प्लीट हो चुका है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और 1/2 आवर के लिए हम इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम प्रॉपर बन जाए, बिल्कुल पतली ना रहे और गाढ़ी ना रहे। और उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।